जैन मित्रों इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सोनगुड़ा के आश्रित ग्राम तरीदान में और यहाँ पर जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर महिलाएं शिक्षा ले रही हैं किस विषय की शिक्षा ले रही हैं आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से यह सब सिलाई के कार्य में जो है अभी संलिप्त हैं और उसकी एक शिक्षा ले रही हैं और संबंधित विभाग जो जो संस्था है वो इनको ट्रेनिंग देती है संस्था का नाम है एजुकेशन मैक्सिमम ई मैक्स इस तरह से यहाँ पर आ, सभी प्रकार के सिलाई कटिंग व बैग आ, मेकिंग मतलब बैग उसको बनाना की प्रशिक्षण दी जाती है इस तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण दी जाती है इनकी टीम है और इनमें तकरीबन चार से पाँच महिलाओं का समावेश रहता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आ, महिलाओं को सबल बनाने उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग देती हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और कुछ आर्थिक रूप से जो है जो है वे सक्षम हो सकें और अपने घर परिवार को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें चला सकें आइए जानते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग ये महिलाएँ ले रही हैं और उससे किस तरह के भविष्य वे संवारेंगी क्या नाम है आपका अमिका हाँ अमिका अमिका कहा रहते हैं अच्छा तो ये अभी आप क्या कर रहे हैं क्या सीख रहे हैं अच्छा माने कपड़े का लेडीज आइटम जो कपड़े होते हैं सब सीखते हैं हैं आप सब हाँ, सब सब सूट सूट वगैरह सीख सीख रहे हैं। हाँ, अच्छा। सब सीख रहे हैं तो आ, ये जो ट्रेनिंग मिलती है आपको आपने जो ट्रेनिंग लेना जो है चुना है कि हमको सिलाई सीखना है इसका क्या उद्देश्य है क्यों सीख रही हैं आप अपने लिए सीख रहे हैं अच्छा ताकि आप आत्मनिर्भर बन सके हाँ। कितनी पढ़ाई लिखाई है आपकी चलिए बहुत बढ़िया बधाई और आपको शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरह से आत्मनिर्भर रहे क्या नाम है दीदी आपका लक्ष्मी बाई अच्छा ये जो सिलाई का कार्य सीख रही है कौन शिक्षा देता है आपको कौन है हमारी संध्या दीदी अच्छा वो आपको सिखाती है हाँ। अच्छा कितने दिन हो गए सीखते हुए महीना अच्छा तो सीख कर क्या करेंगे आप सीख ये। कपड़ा सिलेंगे आगे बढ़ेंगे और पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएंगे ठीक, ठीक बहुत बढ़िया धन्यवाद हमारी शुभकामनाएं हैं क्या दीदी क्या नाम है आपका उमेंद कुमार उमेद कुमार आपका नाम है क्या सीख रहे हैं ब्लाउज अच्छा तो आप बेहतर सिल लेते हैं हाँ। अच्छा तो आप सब को सिलाई सीखने के पश्चात कितने महीने का ट्रेनिंग होता है कितने दिनों का जो ट्रेनिंग आप लोग जो सीख रहे हैं वो कितने दिनों का है मतलब कुल कितने दिन में आप सीख रही हैं कितने दिनों तक सिखाया जाएगा आपको एक महीना तक एक महीना अच्छा तो एक महीना हो गया आपको नहीं हो रहा है अभी बचा है तो एक महीने के पश्चात आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है संस्था के द्वारा है ना हाँ। और आप बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो कहीं भी आप जॉब भी पा लेंगे या फिर घर बैठे भी अपना काम कर सकते हैं है ना हाँ। तो इस तरह से तमाम महिलाओं को जो है ट्रेनिंग दी जाती है संबंधित संस्था के द्वारा ट्रेनिंग देने के पश्चात जो है आ, उन्हें तकरीबन एक महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और एक महीने के ट्रेनिंग के पश्चात उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है ताकि वे कहीं कार्य अगर वे मांगती हैं तो सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें कहीं काम मिल जाए या फिर वह उन्हें प्रमाणित करता है कि वे बेहतर शिक्षा दीक्षा सिलाई के क्षेत्र में सिलाई कढ़ाई के क्षेत्र में ली हुई है कढ़ाई तो नहीं है ये सिलाई है और दूसरी चीज़ आइए हम जानते हैं कि संबंधित संस्था के जो संस्था जो संचालित कर रही हैं उनके मुखिया से हम आ, दो बात करते हैं पूछते हैं कि किस उद्देश्य से जो है क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और कैसे उनको जो है इस लाइन में आइंग क्या उनका उद्देश्य था इन तमाम चीजों को हम पूछते हैं आ, क्या नाम है आपका संध्या भारद्वाज ये जो संस्था है आपका क्या नाम है आपकी संस्था का इंडिया एजुकेशन तो कितने संस्था में आपके कितने महिलाओं का टीम है मतलब सदस्य ये है? संस्था तो यही मैक्सिकी है और बाकी टीम यहाँ मतलब दो चार जगह सिखा रही हूँ एरिया आ, आपके सदस्य कितने हैं आपकी टीम में कितने मेंबर में बीस बीस हैं आप लोग बीस लोग मिलकर सुखाते सिखाते नहीं, हैं? नहीं मेंबर है मतलब अकेले सिखा रही हूं, बीस लोगो को सिखा रही हूँ नहीं आपके संस्था जो है आपकी वो जो संस्था में आप अकेले एक ही सदस्य है आपके टीम में और लोग नहीं है नहीं। अकेले भ्रमण करते हो आप जी अच्छा तो ये ये संस्था का रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराया आपने आ, ये हुआ है चंडीगढ़ अच्छा हाँ। इस संस्था का उद्देश्य जो है आपने सिलाई कढ़ाई और मैंने देखा कढ़ाई तो नहीं है सिलाई है, सिलाई है और बैग्स वगैरह का निर्माण वगैरह कर सकते जी तो कितने दिनों तक सिखाते हैं इसको मैं तीन महीने का कोर्स है डेढ़ महीने का है और छह महीने का है, इसमें एडवांस कोर्स है और क्या बोलते हैं बेसिक कोर्स है तो अभी ये बच्चे लोग बेसिक कोर्स सीख रहे हैं अच्छा जी बेसिक में इतना हो जाता है कि कम से कम वह हाँ, कुछ जो मेन मेन कटिंग हाँ। रहता है ना उसको सिखाती हूँ हाँ। यदि इनकी रुचि होती है कि और भी मुझे सीखना है तो फिर आप उसको कोर्स को, को, को बढ़ाते हैं आगे का को कोर्स बढ़ाते हैं इसमें। फिर उसका आप जो भी फी होता है उसको आप एक इकोनॉमिकल फी है फी बहुत कम है मैंने सुना है की कि आप कितना फी लेते हैं एक महीने एक का नहीं लगता है इसमें ठेका टिप का सिलाई है एक पूरा कोर्स कम्प्लीट करके चार है इसमें प्रमाण पत्र और रिजल्ट के साथ में अच्छा। जी और बाकी इन लो कि लोग हाँ, हाँ। एक महीना लगे डेढ़ महीना लगे दो महीना उनके ऊपर है ना को तब तक मैं सिखाती ही रहूंगी अच्छा बढ़िया है कि मतलब जब तक ये सीखते रहेंगे इनको एक्स्ट्रा फी देने की आवश्यकता नहीं है उसी फी में आप जो है उनको ट्रेनिंग देते रहती है जब तक पूरी तरह से सीख ना ले और बेहतर जो है सिलाई करना प्रारंभ ना कर दें तो निश्चित तौर पर जो है इस तरह से कृत संबंधित संस्था के द्वारा किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर महिलाओं को जो है जागरूक किया जा रहा है कि वे आत्मनिर्भर बने और इस तरह के हस्तकला को सीख अपने अपना एक मुकाम हासिल करें और अपनी एक पहचान हासिल करें धन्यवाद कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती जय हिंद